हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबर में नजर डालते हैं। राफेल ऑडियो लीक पर बोले कांग्रेस नेता, क्या मनोहर पारिकर पीएम मोदी और अमित शाह को ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी हां, नया साल तो आ गया कि मगर केंद्र की भाजपा सरकार की पुरानी गलतियां अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। नए साल के दूसरे दिन कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर एक ऑडियो जारी किया। इस ऑडियो में गोवा सीएम को लेकर बयान है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, राफेल की फाइल उनके कमरे में रखी है। यह ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि वे राफेल मामले में प्रधानमंत्री संसद में आकर कुछ बोल सके। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर पीएम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, यहां तक कि पीएम को डकैत तक बोल दिया, पर इसके बावजूद प्रधानमंत्री एकदम शांत रहे और ना ही उनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम का भी ट्वीट सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि लगता है सीएम पारिकर प्रधानमंत्री और शाह को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मनोहर पारिकर गोवा के सीएम हैं, वे कैंसर की बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके नाक में हर वक्त ड्रिप लगी होती है। जिंदगी के इतने कठिन पड़ाव से गुजरने के बाद भी सीएम की कुर्सी में अभी भी टिके हुए हैं, मगर क्यों? पीएम उन्हें छुट्टी देकर गोवा के सीएम के पद से भी किसी और को नियुक्त क्यों नहीं कर रहे? आपको बता दें कि मनोहर पारिकर राफेल डील सौदे के समय देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो जाहिर है उन्हें इस डील की संक्षेप में जानकारी होगी। 2017 में पारिकर को रक्षा मंत्री पद से हटाकर गोवा का सीएम बना दिया गया। संजय निरुपम की ब्लैकमेल वाली बात सही हो सकती है। संभव है कि पारिकर अपने ही कुर्सी छीन जाने के डर से ऐसी बातें कर रहे हैं, और भी हो सकता है कि पीएम भी इसी डर के कारण गोवा सीएम के पद पर किसी और को नियुक्त नहीं कर रहे हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।